कोई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड कम पड़ रहा होगा तब हम सस्पेंस यूज करेंगे अभी आज जो अभी हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं गैस अंडर कास्ट और ओवर कास्ट की एंट्रीज आपने बुक में देखी होगी जैसे कि सेल्स बुक वॉज ओवर कास्ट परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट इस टाइप की एंट्रीज़ देखी होगी इनको समझना बहुत आसान है मैं नहीं चाहती कि इन एंट्रीज़ में आपके बिल्कुल भी मार्क्स कटें ठीक है तो इनको कैसे समझना है लाइक like, आपको सबसे पहली चीज़ उस जो भी बुक में अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हुआ है उसमें उसका नेचर पता करना है जैसे सेल का नेचर होता है क्रेडिट का आप जब भी सेल की एंट्री पास करते हो मोहन टू सेल्स अकाउंट सोहन टू सेल्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो सेल मतलब क्रेडिट क्योंकि इनकम है ठीक है जो कि आपने पहले पढ़ चुके हो इसके बेसिक में इसी तरीके से परचेज बुक, बुक का नेचर क्या होता है गाइस परचेज बुक का नेचर होता है डेबिट का जब भी आप परचेज की एंट्री पास करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है राइट परचेज अकाउंट डेबिट टू अगर उधार पे ले रहे हो मोहन अगर कैश में ले रहे हो टू कैश अकाउंट ठीक है तो यानी कि आपको सबसे पहली चीज़ उसका नेचर पता करना है हमने पता कर लिया अगर सेल्स रिटर्न होता सेल्स रिटर्न का नेचर सेल्स का उल्टा होता है क्योंकि सामान आता है तो उसका नेचर डेबिट का होता है परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है परचेज रिटर्न में हमारे पास से सामान जाता है तो उसका उल्टा डेबिट का उल्टा क्या होगा क्रेडिट सामान जा रहा है क्रेडिट होगा आता है तो डेबिट करते तो आपको सबसे पहले नेचर पता करना है उसके बाद आपको ये देखना है ओवरकास्ट या अंडरकास्ट अब आपको पता चल गया सेल बुक जो है उसका नेचर है क्रेडिट का ठीक है ओवर कास्ट हो गया हंड्रेड यानी कि ओवर बोले तो ज़्यादा कास्ट बोले तो टोटलिंग सौ रुपए से आपने ज्यादा टोटलिंग दिखा दी यानी कि अगर आपने दिखा दी ग्यारह सौ लेकिन आपको दिखानी चाहिए थी हज़ार ठीक है तो हज़ार लाने के लिए देखो हम कभी भी अकाउंट्स में डायरेक्टली माइनस नहीं करते कि हज़ार माइनस सौ तो हज़ार देखो ग्यारह सौ माइनस सौ हज़ार आ गया नो no, हम कभी नहीं करते हम उसके अपोजिट साइड एंट्री पोस्ट करते तो क्रेडिट का अपोज़िट क्या होता है डेबिट तो हम ग्यारह सौ अगर हमने गलती से दिखा दिए आंसर हज़ार आना चाहिए था तो हम ग्यारह सौ में से सौ माइनस करेंगे आपने किसी को ज़्यादा दे दिए तो आप उससे वापस लोगे ना आपने इस अकाउंट में ज्यादा दिखा दिए तो कम करोगे कम करने के लिए हमें उल्टा करना है मतलब डेबिट साइड एंट्री पोस्ट होगी तो सेल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा इस केस में और क्योंकि इसके हमारे पास कोई क्रेडिट में कोई चीज़ ही नहीं है तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो हंड्रेड हंड्रेड से कोर्स आपको पूरा इसका अच्छे तरीके से फॉर्मेट बना के करना है बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एंट्री समझा रही हूँ कि क्यों सेल्स डेबिट हुआ क्योंकि हमने ज़्यादा उसे क्रेडिट दे दिया था तो वापस लेने के लिए डेबिट लेंगे ठीक है और क्रेडिट साइड कोई अकाउंट नहीं था तो हमने सस्पेंस अकाउंट यूज़ किया अभी इसी तरीके से गाइज अगर क्वेश्चन है परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट सबसे पहले हमें परचेज बुक का नेचर पता हो ठीक है तो परचेज जब भी हम करते हैं उसका नेचर होता है डेबिट का अंडर कास्ट मतलब आपने कम टोटलिंग दिखाई आपने दिखाया सपोज 200 से कम आठ सौ रुपये दिखाए जबकि आंसर आना चाहिए था हज़ार यानी कि आपने हजार रुपये की परचेज करके लाए मार्केट से सामान मतलब शॉपिंग करी हज़ार की लेकिन सिर्फ दिखाया 800 सौ दो सौ रुपये नहीं दिखाए दिखाओगे अब इसमें हमें माइनस नहीं करना इसमें हमें प्लस करना है क्योंकि आठ प्लस दो तब जाके हज़ार बनेगा अंडर मतलब कम टोटलिंग करी थी आपने तो ऐसे केस में दो सौ प्लस करने के लिए हम उसके

स अकाउंट टू हंड्रेड तो इस तरीके से आप ओवरकास्ट एंड अंडर कास्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हो अगर फिर भी कोई डाउट होते गाइज तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करना मैं आपको समझाऊंगी इसके बाद आते गाइज एक और इजी सा कंसेप्ट जिस पर एंट्रीज आती है दैट इज चार्ज टू रॉन्ग अकाउंट आपने वेजिस पे करी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट देखो जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है तो हमें बिल्डिंग अकाउंट यूज करना चाहिए यानी कि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया तो भाई वेजेस को क्रेडिट कर दो ठीक करने के लिए और बिल्डिंग को क्योंकि आपने डेबिट नहीं किया था तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे क्योंकि आप जब भी कंस्ट्रक्शन के समय पर कोई भी वेजेस वगैरह पे करते हो वो बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड होता है तो उसके लिए अलग से वेजेस अकाउंट नहीं ओपन करते तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी बिल्डिंग बन रही है और वेजेस जिसको हमने गलत डेबिट कर दिया था उसे क्रेडिट करेंगे आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इन्होंने बोला होगा डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट तो इट मीन्स इन्होंने गलत डेबिट किया तो डेबिट वेजेस को कर दिया क्रेडिट करके उसे ठीक कर देना है इसी तरीके से एक एंट्री होती है गाइस इसी में जैसे कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो जब भी आप मशीन इंस्टॉल कराते हो तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए वो तो मशीन डेबिट होनी चाहिए थी लेकिन आपने वेज़ को डेबिट कर दिया गलत किया, तो वेजेस को हटा दो वही क्रेडिट कर दो और मशीन को डेबिट कर दो इसी तरीके की आप बहुत सारी एंट्रीज सॉल्व कर सकते हो गाइस मेन एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सो आई होप गाइस आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इससे रिलेटेड एंट्रीज़ में गलती बिल्कुल नहीं करनी एग्ज़ाम में और अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो थैंक यू